चरखी दादरी में तीन दिन पहले ही शुरू हुई कबड्डी प्रतियोगिता का रविवार को समापन हो गया। फाइनल मैच देखने के लिए खुद सूबे के डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला दादरी पहुंचे, जहां एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन की तरफ से उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान फाइनल मुकाबले में इंडियन रेलवे की टीम को हराकर हिमाचल की टीम ने प्रतियोगिता जीत ली, जिसके बाद डेप्यूटी सीएम ने हिमाचल के खिलाड़ियों से मुलाकात की और सभी को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा खेलों की धरती है और खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार 1000 खेल नर्सरियां खोलने जा रही है, जिसके लिए बजट में भी प्रावधान किया गया है। हरियाणा की धरती खेलों के प्रति कितनी समर्पित है कि देश में इकलौते ऐसा स्थान है जहाँ पर प्रत्येक गेम के नेशनल आयोजित करे जाते हैं और निरंतर हमारी सरकार का भी खासतौर पर इस बजट में भी हमने स्पेशल प्रावधान रखे हैं कि खिलाड़ियों को और सक्षम कैसे बनाया जाए और आगे कैसे बढ़ाया जाए। और अब जो नए गेम्स ओलंपिक में जुड़ रहे हैं, हमारा तो ये प्रयास है, चाहे वो किक बॉक्सिंग हो, चाहे और ऐसे इंडिजिनस गेम्स हो जो अभी तक हम नहीं खेल पाए, उनके अंदर भी स्टेट्स और स्पेशल अकेडमीज बनाकर प्लेयरों को प्रोत्साहित करने लगा। मैं तो दोबारा हिमाचल की टीम को बधाई देता हूँ कि उसने ये टीम चैंपियनशिप जीती है, और रेलवे को बधाई देता हूँ, वो सेकेंड आए, हरियाणा थर्ड आई है, ये अपने आप में दिखाता है कि नॉर्थ इंडिया स्पोर्ट्स में किस तरीके से और बेहतर दिन प्रतिदिन खेल नर्सरी खेल नर्सरी बनाने का फैसला इस साल के बजट में, जिसको 400 गवर्नमेंट के खर्चे पे चलाया जाएगा और 600 प्राइवेट लोगों के सहयोग से आगे बढ़ाया जाएगा और अपने आप में 1000 खेल नर्सरी खेलों को एक नया मुकाम पर। उधर तीसरी बार इंडियन रेलवे को हराने के बाद हिमाचल की टीम बेहद खुश नजर आई। टीम की कप्तान प्रियंका का कहना है कि वो इसी तरह आगे भी प्रदेश का नाम रोशन करती रहेंगी। जीते हैं और ये हमारी तीसरी बार की जीत है कि हमने इंडियन रेलवे को तीन बार हराया है। इससे पहले हमने 2017 में इंडियन रेलवे को हराया था और उसके बाद हमने अभी दोबारा से हराया और एक बार हमने फेडरेशन कप में भी हराया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने इंडियन रेलवे को इतनी बार हराया, जो कि इंडियन रेलवे में पूरे इंडिया का एक ड्रीम रहता है, वो हर एक स्टेट के अच्छे बच्चों को इंडियन रेलवे में ले लेता है। तो हम लोगों को अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है कि हम आज फाइनल जीते और हम इसका सारा क्रेडिट हमने हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन को देना चाहेंगे। तो आगे भी उम्मीद रहेगी कि हम इसी तरह से फाइनल आगे की क्या टारगेट नेक्स्ट नेशनल के लिए हमारी प्रिपरेशन रहेगी और हम दोबारा से भी अपने हिमाचल के लिए गोल्ड मेडल जीतना चाहेंगे। यहाँ पर बिल्कुल सर, फाइनल में इतना अच्छा खेले तो हमारी कम से कम 5 से 6 लड़कियां जरूर जाएंगी कैंप के। बता दें कि कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन में एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन द्वारा किया गया था। इस प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम तीसरे स्थान पर रही है। चरखी दादरी से नरेंद्र मंदोला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।